मतलब देश का गुजरातीकरण चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। फ्रीडम फाइटर्स में सिर्फ हिंदू नहीं थे, फ्रीडम फाइटर्स में मुस्लिम भी थे। अडानी पे क्या बोलेंगी? वो कह रहे हैं हम देशभक्त हैं। देखिए मैं अडानी पे यही बोलना चाहूंगी कि जो कह रहे हैं ना कि हमने G20 कराया है, हमने उनमें योगदान दिया है, तो आप G20 में योगदान देके अभी सर्वे रिपोर्ट में आ रहा है कि आपने सबसे बड़ा घोटाला किया है। नहीं, छोटी छोटी फ्रॉड कंपनियां बना के आपने घोटाला किया। 600 करोड़ से ज्यादा घोटाला हो चुका है, अब और घोटाला नहीं कर रहे। जितने भी स्कैमर है सारे गुजरात के हैं, जितने भी स्कैमर निकले, हर्षद मेहता, ललित मोदी, नीरव मोदी, ये हमारे जितने भी है, अडानी, अंबानी, हर्षद मेहता, सारे गुजराती है। मतलब देश का गुजरातीकरण चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, तो आपको लग रहा है मोदी जी भी गुजराती है तो स्कैम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या स्कैम कर रहे हैं? वो तो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल स्कैम कर रहे हैं, कैसे नहीं स्कैम कर रहे हैं। कृषि आप देखिए स्कैम नहीं कर रहे, लेकिन देश की जनता तो परेशान हो रही है ना। स्कैम से बड़ा तो ये है ना कि देश की जनता परेशान है। यहाँ आप देख लीजिए, मैं आपको बातें गिनवाती हूँ। कृषि बिल देख लीजिए आप, कृषि बिल में किसान कितना परेशान हुआ है, GST में व्यापारी, नोटबंदी में जिनकी शादियाँ थी वो टूट गई, सारे नौजवान परेशान हो गए, सब लोग परेशान हो गए GST में। उसके बाद आप देखिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम का चल रहा है टीचर्स का, जिस वजह से टीचर्स जंतर मंतर पे आज पहुंचे हैं, आज वो उसी वजह से भी हम लोग टीचर भी परेशान है। कृषि बिल में कितने किसान शहीद हो गए, तो ये बात ओल्ड पेंशन स्कीम वालों का पैसा भी शेयर मार्केट के थ्रू, LIC के थ्रू अडानी के शेयर में लगा हुआ है, 24% लगा हुआ है, डूबने वाला है वो भी। मतलब टीचर पूरी जवानी बर्बाद कर दे सरकार के प्रति। अब कोरोना में सबसे पहले टीचर की ड्यूटी है, एयरपोर्ट पे सबसे पहले, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ये कोई भी हैप्पीनेस करिकुलम, ट्रंप की बीवी आती है तब भी टीचर रहते हैं। लेकिन हाँ, टीचर पूरी जवानी बर्बाद कर दी, लेकिन बुढ़ापा, मतलब पूरी जवानी उस सरकार के नाम कर दी और बुढ़ापा बर्बाद हो जाएगा। ओल्ड पेंशन कोई हमारा सहारा नहीं बनेगा। मतलब मैं भी अगर सरकारी नौकरी लेनी चाहूँ तो मैं भी क्या सोच के सरकारी नौकरी लूंगी कि पूरी जवानी में बर्बाद कर दूं, बाद में बुढ़ापे में मेरे को कोई सहारा नहीं बनेगा। कह रहा है कि देश बर्बाद हो रहा है, बुढ़ापे में क्यों पैसा दे आपको, नौकरी खत्म, जब काम नहीं कर रहा है क्यों पैसा दे, किसी और सुविधा में लगाएंगे देश की। मतलब अग्निवीर बनाएंगे, 4 साल के अग्निवीर बना दिए, उसके बाद उनको भी अकेला छोड़ रहे। मतलब ये जो नेता 9-9, 10-10 पेंशन डकार रहे हैं, एक बारी MP बने उसकी पेंशन, दूसरी बारी MP बने उसकी पेंशन, मुख्यमंत्री बन गए उसकी पेंशन, मतलब 3-4 बार मुख्यमंत्री बने तो वो भी पेंशन उनके खाते में आएगी। लेकिन हाँ, जो अभी अंबानी अडानी का घोटाला चल रहा है, अभी का लेटेस्ट है, तो उसमें से भी अगर पैसे आ जाते ना, ये घोटाला ना होता, तो टीचर्स की, हर एक टीचर की पेंशन तो आ जाती कम से कम। भाई साहब देशभक्ति है ना, मतलब देशभक्ति सारे गुजराती कर रहे हैं और देश का घोटाला करके कह रहे हैं हम तो देशभक्त हैं। हम तो देशभक्त हैं, नहीं देश के 600 करोड़ दुबा दो, 2 करोड़ दुबा दो, 200 करोड़ दुबा दो, हमारे को क्या, तो देशभक्त हैं ना। अडानी के विरोध करने वाले देशभक्त नहीं है, ये कह रहे हैं वो राष्ट्रहित में है, ये जो राष्ट्रहित में है, ये जो विदेशी मतलब मैं जो विदेशी ताकतों के साथ है वो विरोध कर रहे हैं अडानी का, आप जैसे लोग। मतलब अब हम ये कह दें कि अडानी इज इंडिया, वो तो यही कह रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि उनका सब देश का, मतलब सबसे बड़ा उद्योगपति गुजरात का और प्रधानमंत्री गुजरात का, मुख्यमंत्री गुजरात का, गृह मंत्री गुजरात का, उपराष्ट्रपति गुजरात का, मतलब गुजरातियों पे कोई याद नहीं आएगी। मतलब हिंदुस्तान का गुजरातीकरण हो गया, मैं पहले भी कहती हूँ, टॉप 10 से बाहर हो गए, एक देश का भारतीय है, हमारे टॉप 10 लिस्ट में था, नंबर 2 में था। देखिए अंबानी भी था, अंबानी भी था, जब तक कोई मोदी के साथ रहेगा, मोदी के पास कोई चोट नहीं पहुंचेगी, तब तक क्या होगा, वो टॉप सबसे बड़ा उद्योगपति बना रहेगा, टॉप 5 में रहेगा। जैसे ही मोदी को पता चला कि भाई ये गड़बड़ चल रही है, मैं तो फंस जाऊंगा। अच्छा, पठान का मुद्दा लगातार चल रहा है आज भी, क्या लग रहा है अडानी के मुद्दे को दबाने के लिए सिर्फ पठान पठान चला रहा है मीडिया में? बिल्कुल चल रहा है, और पठान पे जो कह रहे थे ना कि हम बायकॉट करेंगे, थिएटर में नहीं चलने देंगे, इन लोगों के मुँह पे सबसे बड़ा तमाचा पड़ा है। पहले दिन में सबसे ज्यादा हिट हुई है ये मूवी,
मतलब 600 करोड़ अपने 250 करोड़ पहले लगाए, उसके बाद 600 करोड़ भी अपने लगाए कि सबसे बड़ी हिट है। भाई क्या गोदी मीडिया बनोगे यार तुम लोग, क्या बनोगे यार? अभी भी चला रहे हैं, मतलब 600 करोड़ बना रहे के बाद ही फ्लॉप है, तो मतलब क्या चाहते हैं? 1200 करोड़ कमा ले भैया, कमा लेगी अगर आप ऐसे करते रहोगे। ये तो पीआर वालों का काम है, उनका तो कहना है पीआर वाले ये सब कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, अंबानी अडानी की बात छुपाने के लिए ये सब चल रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया किसी का नहीं देखती है, वो ये देखती है कि बस सरकार बच जाए। तो बायकॉट वालों को तो मैं यही कहूंगी कि आप लोग जैसे कहते हैं ना, सूरज पे थूकोगे तो छींट मुंह पे आएगी, तो आप बहुत बुरी तरह से आपके मुंह पे तमाचा पड़ा। अभी आपको कह रहे थे ना कि हम थिएटर में मूवी नहीं चलने देंगे, आग लगा देंगे, सिनेमा चला देंगे, तो जो आप हमारे को देशद्रोही कह रहे हो ना, सबसे बड़े देशद्रोही आप ही लोग हो, जो सिनेमा देश की संपत्ति पे आग लगाने वाले लोग तो देशद्रोही होंगे। साउथ अफ्रीका में सुपर हिट रही पठान, सुपर देखिए ना, शाहरुख खान के पूरे दुनिया में उनके फॉलोवर हैं, सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग उनकी है इंडिया में। मूवी हिट नहीं जाएगी तो क्या होगा? राष्ट्रपति भवन में स्क्रीनिंग की गई, बिल्कुल की जाएगी। जब जानते हैं ना कि मूवी, भाई मूवी में ऐसा क्या बुरा है, आप बताइए किस लिए बायकॉट किया जा रहा है? रंग को लेकर भाना क्या अर्थ हुआ? अरे मुस्लिम हिंदू की उसने भगवा रंग का कपड़ा पहन लिया, भगवा रंग का कपड़ा बेशरम रंग का पहन लिया, तो भाई साहब भगवा रंग का कपड़ा ही नहीं पहना उसने, हरा पीला नीला सतरंगी सारे कपड़े पहने उसने, 5 सेकंड की क्लिप है। रो एजेंट को देशद्रोही दिखाया है और आईएसआई एजेंट को देशभक्त दिखाया है, ये सच हो गया। मूवी तो रील में ही चलती है ना, मूवी तो रील ही होती है, मूवी तो स्टोरी होती है। मूवी में अब मैं दिखा दूं कि हम लोग कोई रॉ का एजेंट बाहर जा रहा है, भारत में जाके वो वहाँ का बन गया। मूवी की बात है, मूवी की जो स्टोरी, सस्पेंस छोड़े ना छोड़े, कैसे लगे पठान? बिल्कुल अच्छी लगी, सलमान खान की अनएक्सपेक्टेड एंट्री जो थी बहुत अच्छी लगी। भावना बिल्कुल नहीं हुई, कह रहे खान गैंग का बहिष्कार करेंगे, चाय बिकवाएंगे खान गैंग को। खान गैंग को आप बनाइए, आप मैं कह रही हूँ खान गैंग का बहिष्कार कीजिए, सबसे बड़ा सितार प्लेयर खान गैंग का, सबसे बड़ा नृत्यकार खान गैंग का, सबसे बड़ा जो कथक परफॉर्मर है, सबसे अच्छा पियानो बजाने वाला खान गैंग का, सबसे बड़ा जो कह सकते हैं एक्टर खान गैंग का, सबसे अच्छी जो टीचिंग होती है खान गैंग की, करिए डुबाइए क्या कहेंगे। सबसे अच्छी टीचिंग खान सर को बता रही हैं आप? खान लोगों की टीचिंग को मैं बता रही हूँ कि उनकी टीचिंग कितनी अच्छी रहती है। हाँ खान सर को भी देख लीजिए, बहुत अच्छा नाम चला था उनका भी। आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? क्या राष्ट्र नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमारे को हिंदुस्तानी राष्ट्र चाहिए। हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में नहीं बटना है, हमारे को हिंदुस्तानी बनना है। जो देशद्रोही है वो शाहरुख खान के साथ है, जो देशभक्त है वो अडानी के साथ है। देशद्रोही हम देशद्रोही बन जाएंगे लेकिन वह शाहरुख खान के साथ रहेंगे। भाई जो देशभक्त की मानो मूवी के साथ नहीं, अगर शाहरुख खान हिंदुस्तान का सपोर्ट करते हैं तो हम उसके साथ हैं। जो भाई अगर हमारे को देशभक्त बनना है उसका सपोर्ट करके जो देश को डुबाएगा तो हम उसके क्या सपोर्ट में रहेंगे? बिल्कुल सपोर्ट में नहीं। हम तो उनका अडानी अंबानी को चाहते हैं कि उनको देश से उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको देश से हटाया जाए। अडानी के खिलाफ साजिश हो रही है क्या? लगता है अडानी के खिलाफ साजिश हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही है। जो देखिए ना, मैं कह रही हूँ सबसे बड़े स्पैमर गुजरात के हैं, स्कैम जितने भी करते हैं गुजरात के, हर्षद मेहता, ललित मोदी, नीलम मोदी, सारे गुजरात के हैं, सब गुजरात के, मतलब गुजरातियों ने ठान लिया है कि हिंदुस्तान का गुजरातीकरण करना, मतलब पैसे ले लो, हिंदुस्तान को लूट लो और बाद में भारत विदेश भाग जाओ। गुजरात के तो गांधी जी के अडानी भागेगा, लगता है आपको अडानी भागेगा? सन्नी भागेगा, देश पे राज भी तो गुजराती कर रहा है। हाँ तो तभी तो कह रही हूँ सबसे बड़ा स्कैमर गुजराती निकले, गुजरात के गांधी जी, गांधी जी भी तो गुजरात, गांधी जी गुजरात के, लेकिन उनको देश का कोई घोटाला नहीं किया। ऐसे ही वो राष्ट्रपिता नहीं है जो कह रहे हैं हमारे को नए राष्ट्रपिता मोदी जी है, या जो भी अभी कहा है। हाँ नहीं, ये गुजरात में जो इन्होंने कहा है कि नए राष्ट्रपिता मोदी जी है, तो मैं तो कहती हूँ उन लोगों को। और हाँ वाले तो कहते हैं ना गांधी जी को कहाँ मानते हैं,
तो नहीं, जो नहीं मानता नहीं मानता। अब सबकी अपने अपने विचार होते हैं, सबके अपनी अपनी विचारधारा है। मोदी जी के अलग विचारधारा है, मेरी अलग विचारधारा है। अब ये थोड़ी ना मैं मोदी जी को मानूंगी नहीं। आपकी कौन सी विचारधारा है? मेरी विचारधारा है कि हमको सत्य के साथ रहना चाहिए, हमारे को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में नहीं बंटना चाहिए। हमारे को हिंदुस्तानी है, सबसे पहला धर्म हमारा हिंदुस्तानी का होता है, जो हिंदुस्तान में दूसरा इंसानियत का उसके बाद भी आता है। तो हमारे को ये आना चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं, हम क्या है, हमारा डॉक्टर इंजीनियर क्या हूँ, हमको उस वर्ग में बंटना चाहिए, जाति के उसमें भी नहीं बंटना चाहिए। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री सही है या गलत? क्या बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन करना सही है या गलत? गलत है। क्यों गलत है? रूस भी साथ दे रहा है मोदी जी का। देखिए रूल्स, अब देखिए एलजी उन्होंने अपना बना दिया भाई, रूल्स उसके हैं जो सरकार चला रहा है, सरकार उसकी जो रूल्स चला रहा है, वही बात हो गई। मैं अगर किसी स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, अगर मैं कल नया रूल बना दूँ कि भाई अगले दिन ये होगा स्कूल में, ऐसी असेंबली होगी, तो भाई मेरा रूल माना जाएगा ना। देश की बेटी, देशभक्त अपने आप को कंगना रनौत बताती थी, पठान का जो है मूवी पठान देखना चाहिए। लेकिन सच के साथ सब रहेंगे, उसमें क्या कहना चाहोगे? सच के साथ सब रहेंगे भाई, सच अकेला होता है, झूठ कई सारे होते हैं। कहते ना शेर अकेला आता है, भेड़ बकरियां तो झुंड में रहती है। मगर वो अभी कह रही है कि नाम तो राम का ही लिया जाएगा देश में। लेकिन जिसकी मान्यता राम के साथ है वो राम के साथ रहे, जिसकी मान्यता रहीम के साथ है वो रहीम के साथ रहे, सबकी मान्यता। अब मैं धर्म के बारे में नहीं कहूँगी, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, आस्था को मेरे ठेस पहुँचाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हिंदुस्तानी है उसे सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। लेकिन संविधान कहा जाता है देश में रहना है तो श्री राम जय श्री राम बोलना होगा। मैं देश में रह रही हूँ, मैं जय श्री राम नहीं बोल रही। नहीं बोलोगी तो फिर मैं बोलूंगी भारत माता की जय, तो मैं देशद्रोही हूँ। देशद्रोही बोला जाएगा जो कि श्री राम नहीं बोलेगा। तो मतलब ये रूल बना रहे हैं मोदी जी, तो ये हो रहा है ना कि आप हिंदूवादी देश को कर दो, मैं आपके साथ हूँ। मुस्लिम कहाँ जाएंगे? मुस्लिम सबसे ज्यादा बलिदान करने वाले फ्रीडम फाइटर्स में सिर्फ हिंदू नहीं थे, फ्रीडम फाइटर्स में मुस्लिम भी थे। मुस्लिम पाकिस्तान जाएंगे ना? लेकिन आम आदमी पार्टी का नेता जेल में है, उन पर क्या कहना आपको? घोटाले का आरोप। देखिए सबके अपने अपने आरोप लगे हैं। थैंक यू। अब इस पे नहीं कह सकते, कोई झूठा आरोप भी लगा सकता है, कोई सच्चा आरोप भी लगा सकता है, सबकी अपनी मर्जी है। मैं कल को किसी पे आरोप लगा दूं इसने मेरी चोरी की है, कि मेरा आईफोन 13 प्रो मैक्स ले गया। अब मेरे पे सबूत नहीं है, आप पे सबूत नहीं है कि आपने चुराया। ऐसे तो बीजेपी वाले कहते हैं कि आरोप लगाते हैं हम लोगों पर। हाँ तो जो लगा रहा है, अगर आरोप लग रहा है तो आपने कुछ किया होगा। आरोप तो ये तो लग रहा ना, मनीष सिसोदिया पे, मनीष सिसोदिया पे इसलिए लग रहा है क्योंकि वो बीजेपी के विरोध में जा रही है, वो काम अच्छा कर रही है। उन्हें ये नहीं चाहिए कि कोई सरकार टीचर के सपोर्ट में रहे, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार ये देखे। उनको ये चाहिए कि बस हमारा काम होता रहे, जय श्री राम चलता रहे, हमारी सत्ता बची रहे। केजरीवाल तो कह रहे हैं फोटो पर उसकी नोट पर गणेश की फोटो लगनी चाहिए, ये भी तो धर्म की बात। बिल्कुल बात है, बहुत गलत बात है। राष्ट्रपिता को हटा के अगर किसी धर्म का लगाएंगे तो बहुत गलत बात है। मैं उसके विरोध में विरोध कर रही हूँ। बिल्कुल कर रही हूँ। देखिए मैं केजरीवाल का विरोध नहीं कर रही हूँ, उनकी इस नीति का विरोध कर रही हूँ, बाकी काम उनके अच्छे हैं। इधर देखते ओल्ड पेंशन के लिए इन्होंने कहा था हम लागू करेंगे पंजाब में, बिल्कुल करेंगे धीरे धीरे। जब भाई बजट ही नहीं आएगा, सरकार बजट नहीं बनाएगी, मतलब केजरीवाल अपनी जेब से पैसा दे। बजट आएगा विज्ञापन के लिए, तो केजरीवाल के पास बहुत बजट है ना, देखिए उसका हिसाब भी नहीं दे पा रहे वो। देखिए मैं आपका जवाब दे दूं। देखिए बजट अभी आ रहा है, 1 फरवरी है आज बजट आएगा। अगर बजट में आता है, अब मैं सरकार नहीं हूँ, मैं मान की सरकार नहीं हूँ, ना मैं बसपा की सरकार हूँ, मैं सरकार नहीं हूँ। आखिरी सवाल है, बजट आज आया है, कितना सेटिस्फाई है? देखिए अभी मैं बजट देखूंगी, और बजट जिस तरह से आ रहा है अभी निर्मला सीतारमन जी देखी गई थी, हलवा बांटते हुए दिखी थी, ड्राई फ्रूट भी दिखे थे, तो कुछ बजट ऐसा ही रहेगा। महंगी हो गई, अनाज फ्री है,
इसके कोई मायने है? जो जनता गरीब जनता उसको कोई पता है इसका कोई मायने है? इस बजट का कोई मतलब भी है? जो आम गरीब जनता है, जो 80% जनता, उसको कोई मायने है? बजट वाला ले लेते। देखिए, अगर सरकार अच्छी रहेगी तो बिल्कुल फायदा होगा, सरकार अच्छी नहीं रहेगी तो फायदा नहीं होगा। 5 किलो अनाज फिर देंगे एक साल तक फ्री। क्या अनाज दे रहे? 5 किलो फिर एक साल तक। 5 किलो एक साल तक फ्री हर आदमी का? पर हेड दे रहे हैं ना आदमी 5 किलो एक साल तक बचा के रखेगा, मतलब आदमी की हालत तो बहुत टीबी के मरीज से भी ज्यादा बेकार हो जाएगी भाई। इससे बढ़िया रहा तो आप हमारे को रोजगार दे दो, रोजगार दे दो। रोजगार क्यों नहीं देते हम लोगों को? रोजगार देंगे, इस बजट में कहा है 75,000 रोजगार देंगे भाई। अभी तक तो जब 2014 में आया था तब वादा करके आए थे कि रोजगार मिलेगा, अभी तक तो रोजगार नहीं मिला। विकास कहीं दिख ही नहीं रहा है मेरे को। एयरपोर्ट खोलेंगे हम, मैं तो दूरबीन से देख रही हूँ विकास का, दूर दूर से नहीं दिख रहा विकास। विकास है कहाँ भाई? अभी तक विकास 9 साल तक का हो चुका होगा, 8 साल का हो गया होता विकास, छोटा सा बच्चा विकास 9 साल तक का हो गया होगा, अभी 9 साल का बच्चा कहीं नहीं दिख रहा मुझे। एयरपोर्ट खोलेंगे 50 साल। हाँ तो अभी देवर एयरपोर्ट खोलो, खुल गया, अब उसको कल परसों में अंबानी अडानी को भेज देना। अच्छा, एयरपोर्ट खोल के भेज देंगे ये? हाँ। और क्या कर रहे हैं आप बताइए, क्या कर रहे हैं? आज तक आपने मोदी जी को कभी ये करते हुए देखा है कि मोदी जी हमारा स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं, कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं डाइट का, कहीं किसी का, कहीं का नहीं कर रहे? बच्चों को दे रहे हैं, भारत सरकार के पास एयरलाइंस तो है नहीं, एयरपोर्ट किसके लिए बना रहे हैं लोग? वही तो मैं कह रही हूँ, एयर इंडिया तो टाटा को भेज दिया तो एयरपोर्ट बना रहे हैं, वही तो बात है अंबानी अडानी के लिए बना रहे हैं। यार आप लोग समझते नहीं हो, एयरपोर्ट उन्हें एयरलाइंस उन्हें भेज दी, एयरपोर्ट भी उनके बन रहा है, बस ये है कि देश का नाम हो जाएगा। अभी आप देखिए, आप कह रही थी परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा पे चर्चा, लोग अभी सीबीएसई के बोर्ड आ रहे हैं, सीबीएसई के बोर्ड आ रहे हैं, उस पे सीबीएसई के बोर्ड से ज्यादा जरूरी क्या परीक्षा पे चर्चा है? बच्चों को सिखा तो रहे चर्चा कर करके, चर्चा कर करके। अच्छा, जो चर्चा में आएगा वो सीबीएसई के बोर्ड में आएगा? नहीं, जो सीबीएसई के बोर्ड में आएगा वो चर्चा में आएगा? विश्वास बढ़ा रहे बच्चों का आत्मविश्वास भाई, वो सीबीएसई के बोर्ड के बात कर दो, या तो आप कुछ मत करो भाई, हमारे को रोजगार दे दो। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने बच्चे से बात की? बिल्कुल करते, चले ना भी की हो ना की हो, हमारे भविष्य का तो देखो ना, आप रोजगार नहीं दे रहे। अगर भाई चंद रोजगार भी मिल गया उसके बाद हम पूरी जवानी काम करेंगे, अग्निवीर बन जाएंगे। उम्र तो अभी पड़ी है, अभी क्या रोजगारी पड़ी है, तो पढ़ाई तो पूरी कर लो पहले, मतलब हम पढ़ाई पूरी कर ले उसके बाद भविष्य में भटकते रहे, डिग्रियां लेके हम घूमते रहे, पढ़ाई कर ले 12 साल पढ़ाई करे उसके बाद हम ऐसे आवारा घूमते रहे भाई, हमारे को अभी से देखना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।